सामने बंदा मेरी तरफ भाग के आ रहा है और ये मैंने इसके रख दिया हेडशॉट। सामने बंदा और स्कोपिन और फिर से हेडशॉट। सामने बंदा और फिर हेडशॉट और पीछे वाले को भी स्कोपिन और हेडशॉट और फिर इसको एक वन टैप और फिर यहाँ पर एक ड्रैगन स्कोपिन हेडशॉट। तो आज की वीडियो में यार बहुत ही ज़्यादा कमाल धमाल होने वाला है और पूरा के पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब तुम नया पीसी बिल्ड करते हो उसमें फ्री फायर खेलने में और कैसा क्या तुम्हारा भी एक्सपीरियंस होने वाला है जब तुम अपना ड्रीम पीसी बिल्ड कर लोगे। आज नहीं तो 15 दिन बाद, 15 दिन नहीं तो 1 महीने बाद, 15 दिन नहीं 1 महीने बाद नहीं तो कम से कम 1-2 साल बाद तो कर ही लोगे। तो सबसे पहले राउंड में अगर मैं तुम्हें एक टिप दूं तो क्लैश स्क्वाड यार तुम जब भी खेलो अगर तुम्हारे पास एक टैलेंट होता है जिससे कि हम वन टैप मार सकते हैं, अगर वो वाला टैलेंट है ना तो तुम हमेशा M500 लो। अगर वो वाला टैलेंट नहीं है तो USP से ही भाई काम चलाना पड़ेगा। और सबसे पहले यहाँ पर आगे सीधे रस मत करो करो और यहाँ पर आगे सबसे पहले तुम यहाँ पर पीक लिया करो। बंदा देखो कि बंदा कौन सा बंदा अकेले में है और जो बंदा अकेले में हो उसी के पीछे पूरी पूरी स्क्वाड पड़ जाया करो और उसी को जल्दी से निपटा दिया करो। जैसे मेरे को यहाँ पर एक दिख गया अकेले में तो मैंने इसको मारना चाहा हेडशॉट, लेकिन यार बॉडी शॉट 3-4 बॉडी शॉट लगे और इतने में मेरे को यार पीछे से गोली लगने लगी। मैंने इसको हेडशॉट लेने की ट्राई करी लेकिन यार इसको हेडशॉट नहीं लगा और फिर मैंने यहाँ से भागना सही समझा और मैं यहाँ से जैसे पीछे मुड़ा ये साला यार मेरे पीछे पड़ गया था हाथ धोके और यहाँ से इसने मेरे USP से हेडशॉट रख दिया था और यहाँ से इसने मेरी स्टोरी कर दी थी ख़त्म। अब सारा का सारा डिपेंड हो चुकी थी मेरी स्टोरी और ये गेम प्ले वीडियो मेरे प्लेयर्स के साथ जो मेरे साथ खेल रहे थे। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा बदतमीज लग रहा है मेरे को, पता नहीं अभी यार ज़मीन में लेटकर पता नहीं क्या घिस रहा था। तुम लोग देख सकते हो अब ये जोकर यहाँ पर आया और इसके यहाँ से आते साथ ही यार मेरी यार खटिया खड़ी हो गई और मेरा यार कंप्यूटर लैग करने लगा। मैं समझा यार ये कंप्यूटर क्यों लैग कर रहा है यार, मेरा PC यार 40,000-30,000 का PC है, मेरा लैग क्यों कर रहा है। तो मैं यार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, फिर तो मैं डर गया यार, मैंने कहा यार ये क्या होने लगा। फिर तो यार मेरे तो यार पैर ढीले हो गए थे, फिर मैंने यार जल्दी से F11 प्रेस करा, मैंने देखा यार नेटवर्क आ रहा है सही कि नहीं, तो पता चला यार नेटवर्क में ही कुछ दिक्कत थी इसलिए पिंग आई चली गई थी। मैंने पिंग नोटिस नहीं करी थी, साइड में तुम पिंग देख सकते थे कि 99+ हो गई थी पिंग और फिर जब नेटवर्क मेरे सही हो गए तो मैंने 1-2 की दबाई और फिर मैंने अपनी स्क्रीन सही से दोबारा से सही कर ली। और यहाँ पर मेरे स्क्वाड का एक टीममेट था, उसने जब तक कि सारा का सारा स्क्वाड निपटा दिया था। तो भाई थैंक यू, तेरी वजह से मेरा इतना अच्छा गेम प्ले वीडियो बन पा रहा है। तो यार सेकंड राउंड में अभी मैं आ चुका हूँ और सेकंड राउंड में अपन लाएंगे भवंडर भूचाल लाएंगे अपन भवंडर, अपन टिकटॉक हिला देंगे, यूट्यूब हिला देंगे, सब कुछ हिला देंगे, वो नहीं हिलाएंगे बस। तो यार समझ ही सकते हो तुम लोग। और यहाँ पर हम लोग 4 बंदे थे और सामने भी 4 बंदे थे, लेकिन यार हम अपने आप को 2 बंदे मान रहे थे क्योंकि यार हमारे 2 बंदों के तो नेटवर्क नहीं आ रहे तो इनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। पीछे यार जितनी भी बैकग्राउंड वॉइस हैं सबको इग्नोर कर देना क्योंकि यार यहाँ पर यार कुछ बदतमीज़ बच्चे रहते हैं। लेकिन यार सामने एक बंदा और मैंने इसके हेडशॉट रख दिया और स्कोप इन यार हेडशॉट मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर मुझको यार और टीममेट्स के देखने को मिलते हैं और मेरे पे फायर करने लगते हैं। मैंने स्कोप इन और फिर हेडशॉट नहीं करा और पीछे वाले को स्कोप इन और हेडशॉट कर दिया और यहाँ पर ऊपर वाले को मैंने स्कोप इन और हेडशॉट लेने की ट्राई करी लेकिन यार स्कोप नहीं खोल पाया और उल्टा इसने ही मेरे हेडशॉट रख दिया। बड़ा दुख होता है यार जब मेहनत करो और उसका रिजल्ट ना मिले, वही कुछ आज मेरे साथ सीन हो रहा है। तो अभी यार ये मैं जोकर एक्सपेक्टेड कर रहा था और ये बंदा थोड़ा ऑनलाइन है और ये सब बॉट बन चुके हैं और बस यही बंदा था जो कि सही खेल रहा था। उन सामने वाली टीम के 4 प्लेयर के नेट वगैरह सब कुछ सही चल रहे थे और वो सारे के सारे प्लेयर ऑनलाइन थे और वो गेम खेल भी रहे थे, लेकिन यार मेरी टीम के ये नूबड़े साले ऑनलाइन ऑफलाइन चले गए जिसकी वजह से यार गेम प्ले मेरा बर्बाद होते होते बचा। अगर ये बंदा नहीं होता ना तो यार मेरी ये वीडियो आज नहीं आ पाती। तो यार इस अकेले लेजेंड बंदे की वजह से मेरे दिल में नूबड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है, तो नूबड़ों तुम्हें नमन है मेरा। और अगर नूबड़ों मेरे वीडियो देख रहे हो तो यार सॉरी नूबड़ा तुम लोग को बोल रहा हूँ, लेकिन यार तुम लोग हो ना नूबड़े तो इसलिए यार बोलना पड़ता है नूबड़े। तो यार मेरे जितने भी नूबड़े दोस्त हैं यार और जो भी बंदे यार मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, बोलता नहीं हूँ लेकिन आज बोलने का दिल कर रहा है, तो यार कर ही दो यार अपने भाई को, यार छोटा भाई हूँ तुम्हारा। तो यार यहाँ पर मैंने एक ग्लू वॉल लगा दिया था और सामने वाली टीम मेरे पे पूरा रश करने के मूड में थी तो साइड से यार ऊपर से चढ़ के आ रहा था पीछे से, मैंने इसके यार टपका दिया और ये भी आया था मेरे को पीछे से मारने तो मैंने इसको भी टपका दिया। और यहाँ पर मैं जब जाता हूँ तो यहाँ पर यार मेरे को कोई भी नहीं दिखता तो मैं यहाँ पर सिर लौट जाता हूँ पीछे,
तो जैसे ही मैं पीछे आता हूँ यहाँ पर, यार मेरे को फायर आयर का थोड़ा साइन वगैरह आता, तो मैं यार फिर जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर यार सीधा सीधा मेरी तरफ आ रहा था, मैंने इसके रख दिया हेडशॉट। और यार सबसे ईजी चीज़ तो मैं बताऊँ यार क्या होती है फ्री फायर में हेडशॉट मारने की, अगर बंदा तुम्हारी तरफ भाग रहा है तुम उसको किसी भी तरीके से हेडशॉट मार सकते हो। तुम उसको वन टैप मार सकते हो, ड्रैग मार सकते हो, स्कोप इन ड्रैग मार सकते हो, जंप करके मार सकते हो, किसी भी तरीके से तुम उसको मारोगे ना, बस थोड़ा अंगूठा ऊपर उठा देना उसके हेडशॉट ही लगेगा। और बैकग्राउंड में यार वॉइस बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि यार मैं रोड के पास रहता हूँ, और रोड के पास रहता हूँ और साथ में ही मेरी यार दुकान पे बैठकर मैं वीडियो बनाता हूँ, वॉइस ओवर वगैरह करता हूँ, क्योंकि यार टाइम नहीं रहता है, तुम लोग यार सपोर्ट नहीं करते हो, बस सपना तो यही है यूट्यूबर बनना, बस कहीं टूट ना जाए सपना यार दोस्तों, ये ख्याल रखना यार मेरा सपना है यार ये, सब पढ़ाई लिखाई तो करता हूँ साइड में कर रहा हूँ, तो बस सपना मत टूटने देना अपने भाई का। और थोड़ा यार मैं बोलने में कंफ्यूज भी हो जाता हूँ यार क्या बोल रहा हूँ अभी मैं, दुखद ज़िंदगी है बहुत भाई। और सामने बंदा फिर से हेडशॉट, यार सारे सुख मिल जाते जिस दिन हेडशॉट मार लेता हूँ चार पाँच, यार ये क्या बोल रहा हूँ मैं यार। तो यार सामने यार एक और बंदा था, मैंने उसको हेडशॉट मारने की ट्राई करी, लेकिन यार इसके टीममेट था ना यार वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ था, उसने यार मेरे हेडशॉट मार दिया और मुझे डाउन कर दिया। उन्हें ये नहीं पता यार मैं मेडिकल गेमर हूँ और मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा, और उन्हें पता होता ना भाई सैल्यूट मार के जाते हो तुम्हारे भाई को, लेकिन यार तुम लोग को मेरा ऐसा दिन लाना है कि हर बंदा मेरे को सैल्यूट करे, क्योंकि इतना बड़ा तुम लोग मुझको यूट्यूबर बना दो भाई। तुम लोग यार तुम लोग जितने भी लोग हो, 50 लोग हो, 10 हो, 100 हो, अगर तुम लोग सपोर्ट कर दो ना यार, तो यार इंडिया में तुम्हारा भाई छा जाएगा, सही बता रहा हूँ। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस भाई ने तो मेरे बोया करा ही दिया, तो लव यू भाई यार, तेरे गेम प्ले की वजह से मेरी वीडियो अच्छी बन गई आज, तो यार थैंक यू, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो।